हमारे पास जो प्रॉब्लम दे रखी है वो ये है, हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स डीएक्स। तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे एक्स को कोस थीटा का होल स्क्वायर मान लेंगे, देन दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन डीएक्स और इसका 2 टाइम्स कोस थीटा, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो ये dx हो गया। फिर यहाँ पर x की जगह cos थीटा का होल स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा, और dx की जगह माइनस ऑफ sin 2 थीटा d थीटा पुट कर देंगे। इसके बाद 1 माइनस cos थीटा 2 टाइम्स sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर होता है, 1 प्लस cos थीटा 2 टाइम्स cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर होता है, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2 आ जाएगा, और साइन 2 थीटा को 2 sin थीटा कोस थीटा लिख देंगे। सिंपल है यहाँ तक। यहाँ पे माइनस साइन और लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। उसके बाद यहाँ पर इस साइन थीटा को, इस वाले साइन थीटा को 2 sin थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे आ जाएगा, एंड बाकी का ये एक्सप्रेशन है ही। यहाँ पे माइनस साइन वापस आएगा, तो पूरे एक्सप्रेशन में माइनस साइन है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, बाद जो हमारा है, तो यहाँ पर इस cos थीटा बाय 2 से ये cos थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, ये sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर टाइम्स cos थीटा d थीटा 4 बाहर आ जाएगा, और विद द माइनस साइन। और फिर यहाँ पर ये 2 को अंदर ले जाएंगे, तो 2 sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर और यहाँ cos थीटा d थीटा बचेगा, और ये 2 sin थीटा बाय 2 के होल स्क्वायर को 1 माइनस cos थीटा लिख देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये cos थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ही, ये cos थीटा, और यहाँ पर ये यहाँ पर cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा होगा, तो ये cos थीटा का होल स्क्वायर आएगा। तो सबसे पहले तो ये एक तो यहाँ पर सब जगह माइनस साइन आएगा, माइनस साइन लगा लेते हैं, यहाँ भी माइनस साइन चल रहा है, और ये 2 यहाँ पे नहीं होके ये 2 ऊपर आएगा। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये cos theta के होल स्क्वायर को 1 plus cos 2 theta by 2 लिख सकते हैं, माइनस साइन यहाँ पर, एंड फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। सिंपली cos theta का sin theta होगा, 1 by 2 का theta by 2 हो जाएगा, और इसका sin 2 theta डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 आएगा, और लास्ट में जो यहाँ पर cos theta और sin theta को x के टर्म में पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।